लोकसभा चुनाव के बाद अब चर्चा जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की है, जिसे लेकर बीजेपी ने घाटी में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर कई अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें घाटी के हालातों पर तो चर्चा हुई ही और साथ ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन पर भी बातचीत की गई। अगर विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन हो गया तो किस तरह से बदल जाएंगे समीकरण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन की मांग कई सालों से की जा रही है। सूबे में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था, जब गवर्नर जगमोहन के आदेश पर जम्मू कश्मीर में 87 सीटों का गठन किया गया। इसके बाद 2005 में जम्मू कश्मीर में सीटों का परिसीमन किया जाना था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने 2002 में इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसके बाद नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जम्मू हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका लगाई और कहा था कि इससे जम्मू और लद्दाख के खिलाफ असमानता की झलक दिखाई देती है, मगर हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर वहां से भी नेशनल पैंथर्स पार्टी खाली हाथ लौटी। मगर अब सत्ता में दोबारा लौटी मोदी सरकार परिसीमन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की कमान थामने के बाद आज अमित शाह ने अहम बैठक की, जिसमें गृह सचिव राजीव गौबा, एडिशनल सचिव ज्ञानेश कुमार समेत कई अफसर शामिल हुए। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के बाद कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। माना जा रहा है कि परिसीमन के बहाने मोदी सरकार जम्मू कश्मीर पर निशाना लगाने का काम कर रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर 3 संभागों में बटा हुआ है। जम्मू संभाग की आबादी 53,78,538 है, इसमें विधानसभा की कुल 37 सीटें यहां से चुनी जाती हैं। कश्मीर घाटी की आबादी 68,88,475 है, यहां 46 विधायक चुने जाते हैं। लद्दाख में 4 सीटें हैं, यहां से विधानसभा के लिए 4 विधायक चुने जाते हैं। मौजूदा स्थिति को देखें तो जम्मू और लद्दाख संभाग में बीजेपी की अच्छी पकड़ है, मगर कश्मीर घाटी में बीजेपी ना के बराबर है, इसलिए पार्टी जम्मू और लद्दाख में ही पूरा जोर लगाती है। ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन हुआ तो घाटी की कुछ सीटें जम्मू में आ सकती हैं। ऐसे में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। वहीं बीजेपी परिसीमन के बाद यहां आरक्षण का दाव भी खेल सकती है। दरअसल घाटी की किसी भी सीट पर आरक्षण नहीं है, लेकिन यहाँ 11% गुज्जर बकरवाल और गद्दी जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी है। जम्मू संभाग में 7 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं, इनका भी रोटेशन नहीं हुआ है। ऐसे में नए सिरे से परिसीमन से सामाजिक समीकरणों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो साफ है कि परिसीमन के बहाने बीजेपी बड़ा दाव लगाने की फिराक में है। DB लाइव की रिपोर्ट।